SN Live सच सबसे आगे। सिवान में युवक की हत्या कर शव को तालाब में फेंका, क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म। दारुंदा थाना क्षेत्र के लोपर गांव स्थित रामनामा बाबा मठ के तालाब में गुरुवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी वासुदेव यादव के पुत्र मिथिलेश कुमार राय के रूप में हुई है। बताया जाता है कि जगदीशपुर निवासी मिथिलेश कुमार राय करीब 10 दिनों से अपने रिश्तेदारी फुआ लोपर निवासी शंभु यादव के यहाँ रह रहा था। 26 सितंबर से बिना कुछ बताए घर से अचानक गायब हो गया। स्वजन उसकी खोजबीन कर रहे थे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इससे स्वजनों की चिंता बढ़ती जा रही थी। गुरुवार की सुबह ग्रामीण टहलने के लिए तालाब की ओर गए थे, तभी तालाब में पानी में उपलाता हुआ एक युवक का शव दिखाई दिया। तालाब में शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। शव मिलने की सूचना पर स्वजन भी वहां पहुंच शव की पहचान कर रोने लगे। ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाने को दी। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर घटना स्थल पहुँच घटना की जानकारी ली तथा शव को तालाब से बाहर निकलवाया तथा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। समाचार प्रेक्षण तक पीड़ित परिवार द्वारा थाना में आवेदन नहीं दिया गया था। शव देखने से प्रतीत हो रहा है कि युवक की हत्या गला दबाकर की गई है। युवक के शरीर पर कई जगह चोट के भी निशान हैं। मिथिलेश की मौत के बाद स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मां देवरातो देवी, बहन नीलू कुमारी, इंदु कुमारी, भाई सुनील कुमार राय समेत अन्य स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल था। आसपास के ग्रामीण स्वजनों को ढांढस बंधा रहे थे। मृतक 3 बहन एवं 2 भाई था। वह भाई में बड़ा था, उसकी एक बहन की शादी हो चुकी थी। मोबाइल नंबर की तकनीकी टीम कर रही जांच। मिथिलेश कुमार राय की मोबाइल नंबर के आधार पर जांच टीम गुरुवार को घटना स्थल पहुंच जांच की। जांच टीम में शामिल अनिमोहित मोहन ने बताया कि मोबाइल नंबर से सभी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। जब से मिथिलेश कुमार राय घर से गायब, वह किन किन लोगों से बातचीत किया है, मोबाइल की अंतिम कॉल का समय व लोकेशन आदि की जानकारी के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी लेकर आरोपी तक पहुंचा जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल के माध्यम से घटना की सही जानकारी मिल जाएगी। सिवान से एसएन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।